जी, मैं शाह फयाज एज प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी। आज हमारी जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के यूनियंस और एसोसिएशन जुड़ी हुई है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे बहुत सारे मसले मसाइल थे जिनको हमने सरकार के जो नोटिस में पहले ही लाया था बार बार, चूंकि वो मसलों उन पर कोई गौर नहीं हुआ। इस सिलसिले में आज हमारी जामिया कयादत ने मिलजुल के जो आज जो है एक ज्वाइंट लीडरशिप हमने खाली डिस्ट्रिक्ट जिला सतह पर और स्टेट की लेवल पर यूटी लेवल पर जो हमने ये यहाँ पर लीडरशिप बुलाई थी, खाली लीडरशिप हमारी आई है जोनल प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान, और ये इसमें जो है सोशल वेलफेयर के ICDS, इसमें टूरिज्म कंटिजेंट पेड एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हायर एजुकेशन में जो काम करते हैं और कुक्स जो काम करते हैं, इसके साथ एम जी नरेगा एम्प्लॉयज जो काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, वो सारी उनकी लीडरशिप इसमें मौजूद है। हमारा आज जो मकसद था आज प्रोटेस्ट का और हमारी ये डिमांड थी कि एम जी नरेगा में का जो इशू है सैलरी का और एब्जॉर्प्शन का, टूरिज्म की वेजेस का इशू है, कंटिजेंट पेड के एम्प्लॉयज वेजेस का उनका वेजेस का इशू है, हमारे कुछ टीचर ग्रुप्स हैं उनमें जो ट्रांसफर पॉलिसी का इशू है ग्रेड टू ग्रेड थ्री में, इसके साथ साथ कुक्स का हमारे जो एजुकेशन में कुक्स हैं हमारे उनका मसला है और कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल जो काम करते हैं उनका मसला है। इन सारे मसलों को मिला जुला के आज हमने जो है ज्वाइंट प्रोटेस्ट दिया था अंडर द बैनर ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी राजभवन। चलो चूंकि अभी हमें अलाउ नहीं किया गया है, हम कोशिश करेंगे जहां तक हमें मिले मौका हम ये इस मार्च की वसादत से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे मसले हल हो जाए।